हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा है बहुत बढ़िया होगे। आज हम आपके साथ मिलके बनाने जा रहे हैं गुरुद्वारे में जो प्रसाद मिलता है, कड़ा प्रसाद। वो देखिए, इसके लिए हमने एक कटोरी घी लिया है, इतनी ही हम आटा ले लेंगे। ये हमारा घी गर्म हो रहा है, इतना ही एक कटोरी आटा ले लेते हैं। ये देखिए, एक कटोरी हमने आटा ले लिया और एक कटोरी हमारा घी है। घी हमारा गर्म हो रहा है, इसी में हम आटा डाल देंगे। अब इसको हम हिलाते रहेंगे। और ये दूसरी तरफ हम चार कटोरी पानी डाल लेते हैं और इसी में हम एक कटोरी चीनी डाल लेते हैं। ये देखिए, एक कटोरी हमने चीनी ले ली। चीनी भी हम इसी में डाल के गरम कर लेते हैं। इसको हम लगातार हिलाते रहेंगे। देखिए, इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे लगातार, ताकि पूरा अच्छे से आटा भून जाए। ये देखिए, पानी में चीनी अच्छे से घुल गई और गैस हमने बंद कर दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितनी अच्छी महक भी आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, और इसकी महक अच्छे से आ रही है। तभी हम अभी इसमें वो चीनी वाला पानी डाल देंगे, जिसकी हमने चाशनी नहीं बनाई है, खाली हमने चीनी घोली है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब हम वो चीनी वाला पानी डालते जाएंगे और इसको और हिलाते जाएंगे तुरंत फटाफट। बिल्कुल अब 1 मिनट भी रोकना नहीं है, क्योंकि इसकी गुल्टियाँ पड़ने लगती हैं नीचे। ये देखिए, इसको ऐसे हिलाते रहेंगे चारों तरफ से 1 मिनट भी। अब हाथ रुकना नहीं है, क्योंकि इसकी गुल्टियाँ पड़ने लगती हैं तुरंत। ये देखिए, अब इतना हो गया हमारा, हमने गैस बंद कर दी है। अब ये सूखने पे भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, हमारा परफेक्ट एकदम आटे का हलवा, जो गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद होता है, बनके एकदम रेडी हो गया। अब इसको हम बाउल में डाल लेते हैं। ये देखिए, इसको अब हम बर्तन में डाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।